इनोवेशन है यहाँ पे डून पब्लिक स्कूल में, हाईटेक एजुकेशन यूज होती है पूरा, जो भी बच्चा स्टडी कर रहा है हम लोग भी टेक्नोलॉजी के मीन्स, हम लोगों को पता होता है कि व्हाट दे आर स्टडीइंग, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनके, किस तरह को इम्प्रूवमेंट कराना है। बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है डून पब्लिक स्कूल में, और मैं कहना चाहूँगा कि उसके अंदर बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ें सीख रहा है और उसके अंदर काफ़ी अच्छे चेंजेस आए हैं। स्कूल का, बच्चे को स्कूल भेजने से जो एटमॉस्फेयर इसको मिला है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। प्लस स्कूल में टीचर्स इतना अच्छा से इनको अभी ट्रीट कर रहे हैं, इनसे पहले भी जो इनकी क्लास टीचर थी प्लस अभी भी जो प्रेजेंट हैं, तो काफ़ी कुछ ये बच्चा खुद से होमवर्क करने में इंटरेस्ट रख रहा है, क्योंकि टीचर्स भी अच्छे से इनको इंकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कॉपी में गुड वेरी गुड देना, तो मुझे ओवरऑल बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। थोड़ा सा मैनर्स भी फॉलो करना लग गया, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। प्लस होमवर्क वगैरह भी टाइमली कर लेता है, इसको ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ता है। बच्चों काफ़ी चेंज आ गया है और ये और अच्छा, और अच्छा भी हो सकता है। सबसे अच्छा स्कूल इस टाइम पे डून पब्लिक चल रहा है। जब से हमने इसको इसमें डाला है, इसके एक्टिविटीज़ में बहुत फ़र्क पड़ चुका है, पढ़ाई में काफ़ी अंतर है इसके, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे एज बाई एज आ जाती हैं। हमें जब से इसको में रखा है, पहले तो ये बहुत शाही थी और अब जो है इसके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। जब से राइटिंग नहीं करती थी, बोलती नहीं थी, तो यहाँ पर कुछ नया इनोवेटिव है वो सब सीखने को मिलता है। इससे बच्चे क्या होगा, फ्यूचर के जो प्लेटफॉर्म पर जाएंगे ना, तो उनके अंदर का जो झिझक रहता है वो चीज़ खत्म हो जाएगा, और ये बहुत अच्छा यहाँ से वो एक्ट है ये जो हमारे बच्चों को एडिशनल मिल रहा है। बच्चों की पढ़ाई से हम पूरी तरीके से सेटिस्फाई है और हम रिकमेंड भी करेंगे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करवाएं, जिससे अच्छी एजुकेशन उनको मिल सके, एनवायरनमेंट मिल सके अच्छा, और आई एम फुली सेटिस्फाइड फॉर डून पब्लिक स्कूल। पढ़ाई तो एक्चुअली बहुत बढ़िया है, पढ़ाई तो बहुत अच्छी, स्टडी बहुत अच्छी हो रही है, पहले से इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे से आया है, पिछली बार से भी बहुत बेटर चल रहा है इस बार। इसका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है पहले से, फर्स्टली वो अच्छे से बोलना सीख गया, बच्चों से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, टीचर से काफ़ी इंटरेक्ट कर रहा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं और सबके लिए यही बोलेंगे डून पब्लिक स्कूल बेस्ट है, आप लोग भी सब ज़रूर अपने बच्चे को यहाँ भेजें, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। मेरी बेटी पहले जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ थोड़ा सा साई टाइप से रहती थी, इस स्कूल में आने के बाद बच्चे में डेवलपमेंट ये हुआ है कि वो बोलने में थोड़ा सा फ्रेंक हुई, अपनी चीज़ें स्पष्टली कह पाती है, इंग्लिश स्पीकिंग में उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले की तुलना में काफ़ी अच्छा हद तक, पहले वो इतनी फ्लुएंटली नहीं बोल पाती थी, अब बोल पाती है, और गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, ड्राॅइंग में उसकी कैपेबिलिटी बढ़ी है, कंप्यूटर भी अच्छे से लर्न कर रही है, तो मैं सेटिस्फाई हूँ स्कूल से। हेड
सेटिस्फाइड हैं और तरह तरह की एक्टिविटी के द्वारा बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, तो हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं। एजुकेशनल एनवायरनमेंट है अच्छे से, बच्चों को जो हमारे जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जैसे वो प्ले वे के थ्रू या जो भी उनको चार्ट्स वगैरह के थ्रू आई मीन जो भी टीचिंग एड्स वो यूज़ कर रहे हैं दे आर वेरी हेल्पफुल। आके बहुत अच्छा लग रहा है और स्कूल अपने आप को समय समय पर अपग्रेड करता रहता है, टीचर बहुत सपोर्टिव एंड फ्रेंडली बिहेव देते हैं और स्पेशल अनुश्री की रीडिंग और राइटिंग पे बहुत इफेक्ट आया है, इसलिए स्कूल बहुत अच्छा लगा और स्कूल को बहुत सारा थैंक यू। हमारा बच्चा बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता था किसी भी एक्टिविटीज़ में, अब हम वीडियो में देखते हैं और सबसे अच्छा ये है कि दून पब्लिक स्कूल के बारे में हमें यहाँ की एक एक न्यूज़ हमारे मोबाइल पर पहुँचती है और उससे हम अपने बच्चे को जज कर पाते हैं कि ये कितना पार्टिसिपेट करता है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इसका और इसमें डिसिप्लिन बहुत है। पहले बहुत चिल्लाता था, अब एक एक बात मानता है स्कूल टीचर्स की, तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट है। लगातार काफ़ी ध्यान देते हैं बच्चे के ऊपर जो काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है कि टून का जो तरीका है और जो कंसेप्ट है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ का जो मेनली जो कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिकल वर्क पे बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा एक किताब ही बनकर रह रहा है, काफ़ी सारे ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें बच्चों से करवाई जाती हैं जो घर में भी बच्चा अच्छे से यूज़ करता है और यहाँ पर भी मैनर्स है, स्टडीज है, बुकेज जो भी है ऑल ओवर अपनी तरफ है, पर जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो बच्चे को यहाँ से मिल रहा है वो तो शायद हम ना हमें मिला है ना मैंने किसी और स्कूल में देखा है।